नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। अब ये एक रहस्यमयी बीमारी भी बन गई है, जिसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। कोरोना का अब एक और नया और खतरनाक रूप सामने आया है, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम दिया गया है। कोरोना काल में एक तरफ ब्लैक फंगस डॉक्टरों के लिए चुनौती बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हैप्पी हाइपोक्सिया कोरोना संक्रमितों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये कोरोना का एक ऐसा लक्षण है जिसमें ना तो सांस फूलती है और ना ही थकान महसूस होती है। इसमें बुखार भी नहीं होता, लेकिन कोरोना चोरी छिपे अपना काम करता रहेगा। मरीज के शरीर में कम ऑक्सीजन की घंटी भी नहीं बजेगी। 24 घंटे के अंदर ही मरीज सीधे आईसीयू में पहुंच जाता है। कोविड अस्पताल में इससे पीड़ित कई मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, फिर अचानक ऑक्सीजन का लेवल घटता चला गया। इलाज के दौरान इस बीमारी से पीड़ित कई मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना मरीजों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता। मरीज अपने आप को ठीक ही महसूस करता है, लेकिन अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थिति में मरीज को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसके फेफड़े 70% खराब होने के बाद अचानक ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा होता है। ऐसे में युवाओं को ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि वो इन तरह के लक्षणों को इग्नोर करते हैं। कोरोना का ये नया लक्षण युवाओं में ज्यादा दिख रहा है। इससे हाइपोक्सिया या फिर खून में कम ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ होने का मरीज को पता नहीं चलता। सामान्य तौर पर ऑक्सीजन 95% होती है, फिर अचानक से ऑक्सीजन स्तर घटकर 80% से नीचे चला जाता है। इसका किडनी, दिल और दिमाग पर काफी घातक असर पड़ता है। कोरोना होने पर सूजन आती है, फेफड़ों की नसें जमने लगती हैं, सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाता है, खून के थक्के बनने लगते हैं, फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। डॉक्टरों का मानना है कि युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिसकी वजह से संक्रमण होने पर माइल्ड लक्षण आते हैं। युवाओं को इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से कम है और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये हाइपोक्सिया है। युवा इसे नजरअंदाज ना करें। हैप्पी हाइपोक्सिया के लक्षण 6 से 9 दिन के बीच आते हैं। होठों का रंग बदलने लगता है, त्वचा भी लाल बैंगनी रंग की हो जाती है। बिना कारण लगातार पसीना आता है और ऑक्सीमीटर में कम लेवल दिखता है। हाइपोक्सिया बचाव के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाने चाहिए। आपको बता दें, संक्रमित व्यक्ति की लगातार मॉनिटरिंग होना जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर की जाँच करते रहें। मरीज को समय पर दवाएं देते रहने चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से कम होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। शरीर में बदलाव को भी अनदेखा ना करें। आपको बता दें कि कोरोना में आए दिन नए लक्षण सामने आ रहे हैं। नए लक्षणों को जानना बेहद ही जरूरी है। अलग अलग स्तर की भी पहचान जरूरी है। रैशेज, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस भी कोरोना के ही लक्षण है। RT-PCR भी नए वेरियंट के सामने कमजोर नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।